केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के भाजपा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर कोटा दौरे पर रहे, जहां जावड़ेकर ने अलग अलग संगठनों के साथ बैठक की और इसी दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए जावड़ेकर ने कहा कि ये लोकसभा चुनाव मुख्य तौर पर तीन मुद्दों को लेकर हो रहे हैं, जिनमें पीएम कौन होगा, देश को सुरक्षित कौन रखेगा और देश की तरक्की कौन करेगा जैसे सवाल शामिल हैं। इसी के साथ जावड़ेकर ने राज्य सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 10 दिन में कर्जा माफ का वादा किया था, लेकिन अभी तक किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ और इसी दौरान जावड़ेकर ने राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। लोगों का